शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। किसी कारणी से मुख को मोड़ा, बीच भंवर में किस विधि छोड़ा। मैं तो सुहागन रही कुंवारी, पहने दुल्हन पे केसरिया बालम, आओ हमारे देश केसरिया बालम, आओ हमारे देश। कुछ बोलिए ना मासा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही मासा? मासा देखिए ना, मासा कुछ बोल नहीं रही। कब से अपने और पापा सा की तस्वीर को देखे जा रही है। कुछ खा लीजिए, आपने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया, प्लीज। अच्छा ठीक है, आज मैं खुद अपने हाथों से आपको खिलाऊंगा, ठीक वैसी जैसे बचपन में आप मुझे खिलाया करती थी। याद है ना आपको मुझे खिलाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती थी। ले लीजिए। सीने में दिल्ला है या हमारी आंख में आंसू, अरे कैसे ना रोऊं उस भाई के लिए जो मैंने पिता समान दर्जा देता था, अपने बेटे जैसे भाई को खोकर मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैंने आपकी पीड़ा समझू, देखती वर्षा की उम्र इकाई थी, लेकिन विधि के विधान पर किसका जोर चले, जीवन तो जीनो पड़े है ना। जीवन तो जीनो पड़े है, इस घर की खुशियों के माहौल में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और सभी उसके नीचे दब गए, सभी। चुप हो जाऊं गायत्री, इतने बरसों से इस परिवार की खुशी जो अपने दिल में भरी थी
वो आंसू बनकर बह रही है। मम्मी बहुत ही दयालु था गायत्री, किसी का दुख दर्द ना देख सकता था। मारा वो प्यारा बेटा चला गया गायत्री, मुझसे लूट कर चला गया। मैं अपने आप को कैसे संभालू? दादी सा खाना लाई हूँ आपके वास्ते। वही रुक जा गायत्री, उसे खाने का थाल लेकर रख दे और कह दे उसे कि अब से मारे लिए कुछ भी करने की जरूरत ना है। मारे से अपनी सेवा का हक ना छेड़ो दादी सा। गायत्री रुक्मी जा। तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? आपके वास्ते जूस लाए थे। आप फोन पे बात कर रहे थे तो मतलब यहाँ चुपचाप खड़े रहकर मेरी बातें सुन रही थी ताकि मुझ पर भी इल्जाम लगा सको, जिस तरह दीप भाईसा की फोन पर बातें सुनकर तुमने उन्हें मेरे पापा का कातिल ठहरा दिया था। नहीं मम्मी, मैं तो खबरदार जो तुमने मेरा नाम लिया, मुझे तुम्हारा लाया हुआ जूस नहीं पीना है। क्या पता इसमें भी जहर मिला दिया हो तो। अब खड़ी क्यों हो? जाओ यहां से, गेट आउट। वास्ते दूध लाई। उठिए ना। कुंवर साहब जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए। किया क्या तुमने? हाँ किया क्या है मासा को? च, च,
just get out of here. जाओ यहाँ से। Come on, doctor, pick up the phone. Phone उठाइए please. मैं तो मासा को दूध देने गई थी। वो एक तक कहीं देख रही थी, पने लगा कि अपने ख्यालों में खोई है। जैसे ही उन्हें हाथ लगाया, वैसे गिर गई थी। दादी समासा को बचा लो। अगर कमल ऐसे ही खोई रहेगी और सच्चाई का सामना न करेगी, तो एक दिन पागल हो जाएगी मासा। आप उसके पास चलो। आप अपने बेटे के खोने का दुख उसके साथ बांटो, तो शायद कमल भी रोते। कमल, हम सब ने रो रो कर अपने मन को समझा लिया, तू भी रोकर अपने मन को मार ले, तारो जीवन साथी चलोगी हो। इस तरह अपने अंदर समेट कर मत रख उसे, नहीं तो उसके सफर में रुकावट आ जाएगी। बेटा कमल, कमल रो रो, कमल कमल रो, कुछ कुछ बताओ इसे, इतनी शक्ल का बने हमारे भाई मेघ की सोच और समझदारी के लिए मैंने हमेशा थारे को जिम्मेदार माना है। भी नहीं, देख अपने बच्चों को देख, हमारे भाई के चले जाने के बाद इनकी खुशियों की जिम्मेदारी थारी ना। मानूंगी मासा, कभी पापा से आपकी शिकायत करके अपने लिए कुछ नहीं मांगूंगी। मासा, मासा पापा से तो नहीं लौट सकते, कम से कम आप तो लौटाओ मासा, मासा। डॉक्टर साहब, इन्हें अस्पताल ले जाएं। ठाकुर साहब, इनका इमोशनल ब्रेकडाउन होना बहुत जरूरी है। तो फिर कुछ कीजिए ना डॉक्टर साहब।
अपनी प्रिवेसी, अपने अकेलेपन का मुझे हक है या नहीं? ना। आप अकेले ना एक वर्षा, आपकी माँ है, आपकी बहन है जिसके हाथ पीले करवा रहे हैं आपको, अपने पापा की छोड़ी हुई अधूरी जिम्मेदारियों को पूरा करना है आपको। आज ही तो आपकी माँ ने सच्चाई को स्वीकारा है, आगे की पहाड़ जैसी जिंदगी उन्हें आप ही के सारे जेड़ी है, फिर आप अपने वास्ते अकेला पर कैसे तलाश कर सको? अब आपका अकेलापन आपका ना है। थैंक्स रसा, मुझे मेरी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाने के लिए। क्या कर रही है? और कितना हुक्का पियोगे जी? देखो ना, खांस खांस के क्या हाल हो रहा है आपका। तो क्या करूं, हमारे तो कुछ समझ में ना आ रहा है। ये हवेली वालों ने जो बर्ताव किया है हमारे साथ, हुक्का पी के अपना जी जलाने से बात समझ में आ जाएगी के? और वैसे भी इस बात में समझने वाला है ही क्या? अरे कितना बड़ा लांछन लगा दिया उस रुक्मी ने रसाल के जेठ दीप सिंह पर, इतना काफी ना था उस बात को समझने के लिए? ना था जानो, मारी रुक्मी कभी झूठ ना बोले। अरे वो तो हालात देखकर मैंने उसे माफी मांगने के लिए कहा था, उसके बाद में न जाने के गुजर रही होगी मारी रुक्मी पर, और उस रुक्मी के कारण मारी रसाल पे के गुजर रही होगी, ये कभी सोचा है आपने? अरे उस रुक्मी ने जानबूझ के ये सब कुछ किया है। दिमाग खराब हो गया थारा? अरे कोई किसी पर अपने काकोसा के खून का लांछन क्यों लगावेगा? रुक्मी लगाएगी, अभी भी रुक्मी रणवीर को भुला ना पाई है, इसी वास्ते वो जलती है रसाल की खुशियों से। मारी छोरी रसाल ने रुक्मी के वास्ते क्या क्या ना भुगता, मैं तो तंग आ गई हूँ इसकी मनुष्यत से। खबरदार, खबरदार जो मारी रुक्मी को मनुष्य कहा तूने। कहूंगी, मनुष्य कहूंगी, अरे उसी के कारण तो मौत हुई हवेली में। बकवास बंद कर, बकवास बंद कर थारी। नहीं तो के मारोगे मन्ने? मारो, मारो ना। धापू। किसो के बापू, किसो के बापू, किसो के बापू।